रोहिया से हम सक्रिय भैया धन्यवाद देते हैं। हाँ साहब, कहानी पे गौर कीजिएगा, वही दूसरे रानी के जो लड़के हैं जिनका नाम है कौशल सिंह, ये कौशल सिंह की आदतें बिगड़ जाती हैं, ये शराबी और कबाबी हो जाते हैं, उनके शराब पी करके महाराज के दरबार में महाराज के सामने आते हैं और शराब की बोतल लेकर के हाथ में आते हैं, उनके महाराज से गंदी संदी बात देखे क्या करते हैं। कौशल सिंह देखे शराब के नशे में बोतल लेकर हाथ में आते हैं, महाराज से देखे क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं, आपने कौशल सिंह आदित्य के क्या होता है। राजू टेलर भाई साहब पीढ़ी चौराहा की तरफ से ये 11वें इनाम आया है पांडे से। उस दिन भरे दरबार में को सुना था, अरे भैया तुम्हारी बहुत बेइज्जती भवाई, हमारी इतनी इंसल्टी हुई, तुझको तो मालूम होगा हम तो भैया दरबारे में ही रहना है, तुम्हारी प्रति भरी इज्जत नहीं होती है। देख कौन हो हराम क्या तो? मेरा सगा भाई है, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। और वो हराम जाती रेखा कुतिया, वो भी तो मेरी सगी बहन नहीं, सगी बहन नहीं है। मेरा जी करता है कि हराम जाती को जहर दे दूं और खत्म हो जाए, यही शाली हमारे रास्ते का रोड़ा बन रही है। रास्ते नहीं पूरा घर बर्बाद है भैया, काको हम काको चाहता है कि को अपन धन दौलत को फेंक थोड़ो सकत है, कोई नहीं फेंकेगा, कोई अपन धन दौलत दूसरे थोड़ो, अगर जैसे हमारी बहन हुआ अपनी पहली हम धन दौलत थोड़ो हम दे दिया भाई। अरे साले चूतिया है, देख चूतिया नहीं महा चूतिया। अरे होली के त्योहार में अपनी बहन की त्योहार ले जाके जाते हैं, खिचड़ी है, गुड़िया है, ये सब बेकार ढकोसला है। हम तो कपड़ों नहीं लेके गए, अब है परसों हमारी बहनी आई रहा है, 500 रुपया हमको उल्टा दे के गई। अरे तू ही तो अच्छा है, लेकिन मैंने ही उसी दिन से कसम खा लिया था कि मैं शराब पीऊंगा और शराब पीकर अपने पिता उस हरामजादे बुढ़े के पास जाऊंगा। भैया एक ये जो फूल सिंह रेखा और तुम्हारे पप्पा, ये सब तीनों मिले हैं और सेना, ये जो सेनापति है, अरे वो जो साला सेनापति नौकर है, हमारे पिताजी और वो सेनापति की सलाह से सब काम होता है। तो तीन चार मिले हैं, तुम तुम्हारी अम्मा गुट्टी एक है, अगर भैया सुनो तुमका हमें आगे तरकीब बताई, इतने तुम होशियारी रहे हो, हाँ उन्हें पता नहीं कत्ती भी तुमका टपका दिए। अरे मैं खुश वाले को टपका दूंगा, तुम्हारा भैया सेहत है ही है, थोड़ी एक थोड़ी एक पैक और लाओ। ए यार सब तो ही पी लेगा तो मैं क्या करूंगा, चल मेरे साथ तू भी चल। अरे जो पीता रहे, अरे जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, Bye.
अम्मा तुम्हारी मऊ से लगती हमका भोसड़े का बताओ भेजा काजल सिंह कहा बेटा का पट्टा बेटा महाराज का लड़का सारे तो मेरे सामने शराबी करके आ और वो भी मेरे ऊपर गिरता है तुझे अंधा हो गया बेटा क्या कहा बेटा देख तुम बहुत ज्यादा पी लेते हो जितनी तुम्हारी पिता पीता है देख हानिकारक शराब नहीं होती है अबे पट्टा तू मेरा बाप है दारू दबा होती है अच्छा हमें समझा रहा तू हाँ बेटा थोड़ी लगा लो बेटा सुन मेरी बात तो बात करने में मजा भी आए अच्छा अच्छा लेकिन मैं बात ऐसे ही करूंगा तुझसे तू दागरू भी कर बात करेगा मैं ऐसे ही बात करूंगा तुझसे सुन मेरी बात तू और कहा क्या ही धर्म कहता ये आदत बुरी है ना फिरोगे मारा मारा और क्या अरे मैं इतना अच्छा इंसान बन एक मैं महाराज और तुम साले कुत्ते तुम मेरी औलाद तो हो नहीं तो तुम शराब नहीं पीते बदतमीज और किसकी औलाद हो रहे गाली मत दे मैं साले मार डालूंगा ए बेटा ये मगर बोल देख मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहने बोल मेरी बात ध्यान से सुनना मेरा हाथ मत उठे ज्यादा अच्छा है पिताजी यही है मेरा अब खाना पिताजी यही है मेरा अब साले में मार डालूंगा आज हेलो ये आ गए डॉक्टर शर्मा बंबई की तरफ से डॉक्टर शर्मा बंबई की तरफ से ये कौशल सिंह के काम के खुश होकर ये 101 रुपया का कलम बंद स्तर हाथों हाथ कौशल सिंह के लिए भेजा गया पांडे से हो गया तुमको दिलवाऊंगा और पढ़ो लिखो और घर में
और धाम की ओर से मर जाऊंगा पर मैं इसे कभी छोड़ सकता नहीं। भैया हो ओ भैया ये बुढ़ो ना मर गया था फिर भाई बात अरे मैं बुढ़ा हो गया हूँ ना मेरा बेटा और तू भी मेरी ओर से नहीं चल निकल जाएगा के बेटा इकलौता मेरा और महाराज जी और सदर जुलम से पे गुजारे नहीं काजवा तक तो एक दिन पलट जाए बराबर बेटा हो जाए बराबर तो उसको समझो बाप बराबर साले गेंडे की औरत जीना चाहते हो तो जी लो शान से जीना चाहते हो तो जी लो शान से अरे वरना खे दिखाओगे तो खत्म कर दूंगा चलो भागो तोरी ने पूरी खचुही सचुरी चलो लेके भागो ये बंदर गुहिया नहीं कहा लगी चलो भागो अरे तुलसीदास कहा लिया वो किनारा अब उड़री मेहरिया का कौन सहारा उड़री मेहरिया का कौन सहारा अब आज लड़ाई काली नहीं हर सिधारा राम सिया राम सिया राम के चलो भागो चलो भागे गले भाई चलो मारो मारेगा घर मर सारे क्या यार
चले के लेके भागो। हाँ आई हो, आई आई आई, देख लिया महाराज, कहीं भी नंगी नाच रहे महाराज, यह महारानी कह काबिल है महाराज, साली बिल्कुल बेकार हो गई महाराज। यही मेरे कह रहा तुम्हारी किस्मत माँ, एक लड़की रहा एक लड़का रहा महाराज, और दूसरा शादी न की हो महाराज, दूसरा शादी की हो महाराज, मर से घर बर्बाद के धर दी थी महाराज। तू ठीक है महाराज, हमार कहा मानो महाराज, इका छोड़ो महाराज, और हमका राखो महाराज। उल्लू का फटके चली चली जाओ, चली जाओ, नहीं हुआ तो तुम्हारे गिरा के मुंह तो पी लिया था। क्या कहता है, चली जाओ चुप है। महाराज के बूढ़े बता रही हो, महाराज के बूढ़े बता रही हो, बुढ़ापे में जवानी से ज्यादा जोश होता है, बूढ़ा पकड़ लेता है, 3 घंटे में होश होता है। महाराज के बूढ़े ने समझो, महाराज के बूढ़े ने समझो, इनकी ठाठ यही है, तलवार है पुराना मगर काट वही है, जितने अच्छा पानी मिले उतने लंबाई चावल ले। महाराज तुम्हारी कितनी बेइज्जती की है महाराज, यह ससुरी या महारानी का काबिल का तोरी खाना वाली क्यों पे लगे, चलो बंदर का चले जाओ, मारी का मार कस का, कस का मार, मारो कैसे लगे, मोबाइल शॉप, रामराज मोबाइल शॉप, पीढ़ी चौराहा की ओर से 11 रुपया है बड़ा धन्यवाद। हाँ श्रीमान, ये लीजिए मानी सम्मानी सीताराम प्रधान जी भाई साहब, ये मानी सम्मानी सीताराम प्रधान, सीताराम यादव प्रधान जी भाई साहब पूरे नक्की की तरफ से ये 101 रुपया का इनाम भेजा गया पहले से। हमें सक्रिय प्रधान भैया को हम धन्यवाद देते हैं, प्रधान जी के बाद चरण के बाद हम कला के सर के ऊपर साया रहे, शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। हाँ कहानी पे गौर कीजिएगा, देखिए वही सेनापति कौल के हारे हुए और के दरबार में आते हैं और के महाराज से देखिए छल करते हैं और छल करके महाराज के दूर ले जाते हैं और दूर ले जा करके देखिए महाराज का क्या करते हैं, उनके क्या कहते हैं, देखिए सेनापति आते देखिए महाराज दरबार में बैठे, देखिए क्या होता है। सलवाज वही दिन है क्या कि मैंने महारानी से वादा किया था कि महाराज को गोली मार के आऊंगा, अब मुझे चलना चाहिए महाराज के पास और रेखा का बल दिखाने के बहाने यहां से दूर ले जाऊंगा और बियाबान जंगल में महाराज को गोली मार दूंगा। मैं तुम्हारा काल बन के आ रहा हूं महाराज, क्या समझते हो तुम, और मेरा भी अपनी बीड़ा बजाती चली।
पांडे से है न्याय। सेनापति बोले महाराज आज तुम्हारे चेहरे बहुत बड़ी रौनक है और आपसे कुछ कहना है। बोले क्या कहना चाहते हो महाराज? और बहुत खुश मैं जा रहा हूं आज चाहते हैं आप? हाँ बोलो। तो सुनिए मेरी बात, और मैं लाया हूं शादी का पैगा साथ चलकर बर देख लीजिए। ठीक है ठीक है। और चलो साथ में और मेरे बर देख आओ और खुद ही आ गए दिन आजादी। महाराज देखे यह रतनगढ़ आसाम और गुजरात के बीच में महाराज। अच्छा, और रतनगढ़ जाने के लिए महाराज वहां पर जल ही जल है, वहां पर ना कोई सवारी जा सकती है महाराज, वहां पर केवल
हम लोग पद यात्रा कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है चलो हम पद यात्रा करेंगे, क्योंकि हमें लड़की के हाथ पीले करना है। चलिए चलिए महाराज देर के साथ। आसाम है, आसाम और ये गुजरात है, गुजरात और सामने वो रतनगढ़ महाराज। अच्छा, और उसके पहले ये बियाबान जंगल है महाराज। अच्छा अच्छा, जरा होशियारी से रहना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चोर डाको का डर है महाराज। सेनापति, हमें चोर डाको से क्या लेने देना है, हमें लड़की के लिए भर देखना है, अभी रक्षा के लिए हमारी आप आई है। महाराज मैं तो हूँ आपके साथ, मगर होशियारी से रहना। ठीक है ठीक है। ठहरो महाराज। क्यों, आगे क्या हुआ, आगे बढ़ो। महाराज रतनगढ़ आ चुका है। ये पिस्तौल तुम मेरे ऊपर उठा रहा है? और महाराज ना से तुम मेरे महाराज, ना ही मैं तुम्हारा सेनापति। लेकिन मेरा कसूर क्या है महाराज? मैंने किसी से वादा किया है। सेनापति से बात करो, तू किससे बात करता है? मैं महाराज समर सिंह से बात करता हूँ। लेकिन एक बात है सेनापति, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे लड़के के लिए हाथ पीले कर लेने दे, उसके मैं पैर पूंज लूं, फिर बाद में मुझे गोली से मार दे। महाराज बेटी के हाथ पीले ऊपर जाके करो। नहीं सेनापति, तू ऐसा नहीं करेगा। नहीं महाराज, नंबर एक, नंबर दो, नंबर। क्या भगवान, सेनापति तूने क्या किया? तुझको अपने परिवार का रक्षक समझ कर पाला था, तू तो जहरीला सांप निकला। क्या भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा। महाराज जाओ, आज चलो ये खुशखबरी महारानी जी को बताओ, और उसके बाद इस आसाम राजधानी का मालिक बनो, और कोली हुसैन जिस पे चल सर उड़ा। चौराहा की तरफ से ये 11 रुपया इनाम है पांडे से। धन्यवाद, शुक्रिया भैया को धन्यवाद देते हैं। और श्रीमती भिंडी से, अरे बोले नौकी पाला।